अब जिस कॉन्सेप्ट की तरह हम बात करने लगे हैं दैट इज रिटेल लाइफ साइकिल जिस तरीके से यू मस्ट हैव ऑब्जर्व देर इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देर इज रिटेलर लाइफ साइकिल देर इज ब्रांड लाइफ साइकिल इसी तरीके से जब हम आज डिस्कस करने लगे हैं रिटेल लाइफ साइकिल को सो अगेन रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर देर आर फोर पार्ट्स फोर फेजेस जिस तरीके से किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टअप गोज अप टिल द डिक्लाइन तो यहाँ पर किस तरीके से है एक रिटेलर के हवाले से सबसे पहला पार्ट हमारे पास है इनोवेशन एंड देन एक्सलरेटेड डेवलपमेंट थर्ड हमारे पास है मेचोरिटी और फोर्थ हमारे पास जो स्टेप है फोर्थ जो स्टेज है दैट इज डिक्लाइन तो हम वन बाय वन इन चारों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो के डिपेंडेंट हैं इन सारी कैटेगरीज़ के ऊपर इस रिटेल साइकिल को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपनी अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो रिटेल लाइफ साइकिल के हवाले से अगर आप देखते हैं तो ये चार लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहली स्टेज हमारे पास है स्टेज ऑफ इनोवेशन जहाँ पर बिजनेस बिल्कुल अपनी यंग स्टेज के ऊपर है बहुत तेज़ी से ग्रोथ को इस्पायर कर रहा है लेकिन अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज़ के ऊपर है बिल्कुल बेबी बिजनेस है नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ये एक्चुअली अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो नॉर्मली ग्रोथ स्टेज कहलाती है रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर ये एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट कहलाती है क्योंकि यहाँ पर एक रिटेल बिजनेस बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा होता है टूवर्ड्स ग्रोथ टूवर्ड्स डिवेलपमेंट और उसके बाद बिजनेस ग्रो करके अपनी तीसरी स्टेज के ऊपर आता है तो हमारे पास पहली स्टेज इनोवेशन दूसरी स्टेज एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट तीसरी स्टेज मेच्योरिटी तो बिजनेस अपनी तीसरी स्टेज के ऊपर आता है विच इज़ मेच्योरिटी मेचोरिटी जहाँ पे बिज़नेस ऑलरेडी कंसोलिडेट हो गया होता है और वो अपने हवाले से रिटेलर अपनी चीज़ों को दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड और वो अपनी चीज़ों को मेनटेन करने की कोशिश करते हैं बेशक वो कस्टमर्स हैं वो सेल्स हैं वो बिज़नेस वॉलीम है कैश फ्लो है रिटर्न्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी है कस्टमर की फ़ुटफॉल है कस्टमर के इन्वाइस हैं कस्टमर का लाइफ साइकिल है तमाम पॉइंट्स को नॉर्मली मेचोरिटी स्टेज के अंदर दे ट्राई कि उसको मेंटेन करें क्योंकि नॉर्मली जो इसके बाद स्टेज है दैट इज़ डिक्लाइन स्टेज ये वो स्टेज है कि जहाँ पर नॉर्मली कस्टमर्स रिटेलर लूज़ कर रहा होता है इन्वॉइस लूज़ कर रहा होता है बिज़नेस लूज कर रहा होता है प्रोफिटबिलिटी लूज़ कर रहा होता है और ऑफकोर्स अगर डिवेलपमेंट चीज़ें न्यूनेस इनोवेशन ले कर आया जाए तो दोबारा से लाइफ साइकिल ये बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास ये चार लाइफ साइकिल की स्टेजेज़ हैं जिसको अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के परस्पेक्टिव में तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है नंबर ऑफ कंपेटिटर्स का इनोवेशन स्टेज के अंदर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स जो है वो नॉर्मली बहुत थोड़े होते हैं दे आर वेरी फ्यू एक्सेलरेटेड स्टेज के अंदर जब आप एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स दे आर नॉर्मली मॉडरेट मेचोरिटी स्टेज के अंदर आपके पास मैनी डायरेक्ट कंपेटिटर्स एंड देर मॉडरेट कंपेरिटर्स मॉडरेटली विच आर indirect comparators, so सो are आर बोथ काइंड ऑफ कंपेरिटर्स इस स्टेज के अंदर कुछ डायरेक्ट कंपेटिटर्स है और कुछ इनडायरेक्ट कम्पेरेटर्स है डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कम्पैटिटर्स की तो मॉडरेट डायरेक्ट कंपेटर्स हैं जबकि मैनी इनडायरेक्ट कम्पैरिटर्स हैं जो के काम कर रहे होते हैं अगेंस्ट आपके बिज़नेस के आपके बिज़नेस के साइकिल के हवाले से बिकॉज आप ऑलरेडी डिक्लाइनिंग के ऊपर हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस बिज़नेस के अंदर शामिल हो रहे होते हैं और आपको कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं अगला फैक्टर हमारे पास है ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी और ड्यूरेशन के हवाले से अगेन इन पर्सपेक्टिव को हम इन चारों लाइफ साइकिल स्टेजेस के ऊपर जल्दी से गेज करते हैं सबसे पहले इनोवेशन स्टेज के ऊपर सो वेरी रैपिड ग्रोथ अगर बिजनेस की बात करें क्योंकि बिजनेस एस्पायर कर रहा होता है यंग होता है ग्रो कर रहा होता है तो इनोवेटिव स्टेज के अंदर वेरी रैपिड ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी लो और मॉडरेट तकरीबन और ड्यूरेशन नॉर्मली किसी भी बिजनेस का रिटेल का तीन से पाँच साल का है सो so, ये इनोवेशन स्टेज ऐसा नहीं है कि इट इज़ फॉर सिक्स मंथ्स नॉर्मली इट टेक्स थ्री टू फाइव ईयर्स कि ये इनोवेशन स्टेज के अंदर रहता है दूसरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं जो कि एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट स्टेज है या ग्रोथ स्टेज है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रैपिड ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी हाई और इसका ड्यूरेशन नॉर्मली इट इज़ नॉर्मली ऑलमोस्ट सेवन टू एट ईयर्स और प्लस माइनस वन ईयर ऑब्जर्व किया जाता है कि जब बिजनेस इस स्टेज के ऊपर इस लाइफ साइकिल के ऊपर पहुंचता है ये वो जगह है जहां पर वो अपनी ग्रोथ अपनी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट को अचीव कर रहा होता है उसके बाद बिजनेस मूव करता है अपनी मेच्योरिटी साइकिल के ऊपर तो मेच्योरिटी साइकिल के अंदर नॉर्मली मॉडरेट टू स्लो ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है प्रॉफिटबिलिटी मॉडरेट है और जो ड्यूरेशन है ऑफकोर्स वो इनडेफिनेट है फ़ दर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू लेट से कंटेन दैट मेच्योरिटी पीरियड और दे वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट मेच्योरिटी पीरियड इट इज़ अप टू दर्गेनाइजेशन अप टू द रिटेलर कि वो कितने अर्से तक उसको मैंटेन करता है और उसके बाद फोर्थ स्टेज क्लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ है दैट इज नॉर्मली आइदर स्लो और नेगेटिव प्रॉफिटबिलिटी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली इट इज वेरी लो और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि प्रॉफिटबिलिटी ग्रेजुअली विद द रिस्पेक्ट टू ईयर्स वो डिक्लाइन कर रही होती है सो नंबर ऑफ़ जो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रही होती है एवरी ईयर अगेन ड्यूरेशन ऑफ़ दैट डिक्लाइन इज़ इनडेफिनेट जब हम इनडेफिनेट की यहाँ बात करें विच मीन्स के आप रिटेलर को फ़ॉरन कुछ ऐसा काम करना है कि क्या वो न्यूनेस लेकर आए ताकि लाइफ साइकिल के अंदर दोबारा से जान आए और बिजनेस जो है वो अपनी न्यूनेस की तरफ बढ़े अपनी इनोवेटिवनेस की तरफ बढ़े और अपनी लाइफ को एक्सपैंड को कर सके लाइफ लाइफ स्पैन को बढ़ा सके नेक्स्ट फैक्टर की तरफ अगर हम आते हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और रिस्क डिसीजन के हवाले से इनोवेशन स्टेज के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और हाई रिस्क जो है वो एक्सपेक्टेड है नॉर्मली लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पर रिस्क लेवल हाई होगा क्योंकि बिजनेस की डेथ होने की बिजनेस के एक्सपायर होने की बिजनेस के फेल होने के रिटेल के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑफ कोर्स एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ग्रोथ स्टेज के अंदर यानी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये वो स्टेज है कि जहां पर आपकी ग्रोथ और रिस्क दोनों को आपको कंटेन करना है सो इन्वेस्टमेंट हाई टू सस्टेन ग्रोथ ऑफ दैट बिजनेस एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के अंदर अगर मेच्योरिटी स्टेज की बात करें तो इस स्टेज के अंदर टाइटली कंट्रोल्ड ग्रोथ इन अनटैप्ड मार्केट स्पेसिफिकली यहाँ बात की जा रही है अनटैप मार्केट के हवाले से तो यहाँ पे अगर टैप्ड मार्केट की बात करेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर यू विल गो टूवर्ड्स दी डिक्लाइन पार्ट लेकिन मेच्योरिटी स्टेज के अंदर आप टाइटली कंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं जहाँ पर ताकि आप अनटैप्ड मार्केट के अंदर एक्सप्लोर कर सकें डिक्लाइन स्टेज के अंदर मार्जिनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड ओनली इफ नेसेसरी there is a need otherwise there is no need to invest further into it because the business is already into the declining stage agar hum next factor ki baat kare to hamare paas hai central management concerns kahe wale se to innovation stage ke andar concept refinement ki jati hai through adjustment and experimenting मजीद experiment किए जाते हैं कुछ adjustment की जाती हैं ताकि concept और बेहतर और रिफाइन हो सके एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट स्टेज के अंदर क्या किया जाता है स्टेब्लिशिंग अ प्रियम्पटिव मार्केट पोजीशन फोकस किया जाता है यू कैन रियली स्टैब्लिश योर मार्केट पोजीशन जबकि मेच्योरिटी स्टेज के अंदर एक्सेस कैपेसिटी एंड ओवर स्टोरिंग एक्चुअली प्रोलोंगिंग मेच्योरिटी एंड रिवाइजिंग द बिजनेस कॉन्सेप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको क्या करना है आपको एक्सेस कैपैसिटी एंड स्टोरेज को यू नीट टू टेक इन टू कंसिडरेशन और अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को रिवाइस करना है वेयर नेसेसरी इफ पॉसिबल इमीजिएटली इफ दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस में डालने के बाद लास्ट स्टेज विच इज द डिक्लाइनिंग स्टेज है ऑफ द लाइफ साइकिल नॉर्मली आप क्या करते हैं यू आर यू नीड टू इंगेज इन रन आउट स्ट्रेटेजी फॉरन आप देखते हैं किस तरीके से हाउ यू कैन मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मैनेजमेंट कंसर्न्स के हवाले से फिर उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज यूज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स अगेन इस लाइफ साइकिल के ऊपर इनोवेशन स्टेज के अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स आर मिनिमल एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के अंदर दे आर मॉडरेट मिच्योरिटी के केस के अंदर दे आर एक्सटेंसिव और डिक्लाइन स्टेज के ऊपर नॉर्मली दे आर अगेन मॉडरेट तो अगेन मैनेजमेंट कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम ऑब्जर्व करेंगे आप जब हम बात करेंगे इनोवेशन स्टेज के ऊपर और डिकलाइनिंग स्टेज के ऊपर दे आर नॉर्मली मॉडरेट हम लास्ट फैक्टर की तरफ आते हैं जो इस रिटेल लाइफ साइकिल के ऊपर हमारे पास को किस तरीके से हंगेज कर रहा है वो है मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज रिटेल इज ऑल अबाउट लीडरशिप किस तरीके से कौन सा लीडरशिप स्टाइल या कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल इज बेस्ट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस किस स्टेज के ऊपर बिकॉज वन स्टाइल कैन नॉट फिट हर तरह के लेवल के ऊपर हर तरह के लाइफ साइकिल के ऊपर सो इनोवेशन स्टेज के ऊपर नॉर्मली आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चाहिए इस तरह का मैनेजमेंट स्टाइल चाहिए जो कि वू कैन थिंक ऑफ ओवरऑल द बिजनेस एवरीथिंग एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के केस के अंदर आपको एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्टाइल चाहिए मेचोरिटी केस के अंदर यू आर लुकिंग फॉर मोर प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्टाइल और डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर अ केयर टेकर मैनेजमेंट स्टाइल वू कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग सो एक्चुअली आपको केयर टेकर मैनेजमेंट स्टाइल को फॉलो करना है तो हमारे पास इस रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर इनोवेशन एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट मेचोरिटी और डिक्लाइन स्टेज के अंदर हमने वो तमाम फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि चेंज होते हैं जो कि इफ़ेक्ट होते हैं और जो कि नॉर्मली हर स्टेज के ऊपर ऐसा नहीं है कि वन वन फैक्टर कैन फिट ऑल आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है डिस्कशन को बेशक वो हम बात करें मैनेजमेंट स्टाइल की बेशक वो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स की बेशक हमने वो डिस्कशन किया किसी और फैक्टर के हवाले से इन्वेस्टमेंट के हवाले से ग्रोथ के हवाले से प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से तो हमें हर स्टेज के ऊपर एक डिफरेंट चीज़ को एक डिफरेंट फैक्टर को ऑब्जर्व करना है एक डिफरेंट लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करना है जो कि इट्स एक कंप्लीट कम्प्लीट स्कीम है उस पर्टिकुलर रिटेल लाइफ साइकिल के अंदर